मध्य प्रदेश का गधे वाला नेता। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं। जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, अजब गजब नजारे दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजर आया बुरहानपुर में, जब एक प्रत्याशी गधे पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा। इसका नाम है ठाकुर प्रियांक सिंह। बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के दंगल में ठाकुर प्रियांक सिंह निर्दलीय ही कूद पड़े हैं। चुनाव लड़ने के लिए जरूरी रस्मों में से एक रस्म नामांकन की भी होती है। इसी रस्म को पूरा करने नेताकारों के काफिले शोर शराबे और धूमधाम से जाते हैं। ठाकुर प्रियांक सिंह भी इसी रस्म को पूरा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के ऑफिस पहुंचे, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा उनकी सवारी की रही। गधे पर सवार प्रियांक सिंह के साथ उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। निर्दलीय चुनावी दंगल में उतरने वाले प्रियांक सिंह ने गधे पर बैठकर ही रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल परिवारवाद का शिकार हैं और जनता को गधा बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने गधे पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि ठाकुर प्रियांक सिंह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। प्रियांक ने शुरुआती पढ़ाई नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल से की है, जबकि उच्च शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से ग्रहण की। प्रियांक के पास MBA और LLB की डिग्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।